दो सौ इक्यावन नंबर प्रश्न देखेंगे कि हमारी संस्कृति वह है जो हम है इस कथन के आधार पर संस्कृत और सभ्यता में मतलब संस्कृति मतलब संस्कृत और सभ्यता में अंतर किसने किया संस्कृति और सभ्यता में अंतर किसने किया है ऑप्शन है मैकाबर पेज ने ऑप्शन बी है कॉलमार्क्स ने ऑप्शन सी है अगस्त कॉम्प्ट ने और ऑप्शन डी है हार्बर्ट स्पेंसर ने किसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई तो मैं कैबर और पेज ने किया ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आपको बता दूं कि एजुकेशन की यह वीडियो हो रही है एजुकेशन ओके एजुकेशन बी प्रथम सेमेस्टर को लेकर के मैं बता रहा हूँ तो ये आपको ध्यान रखना होगा अगला प्रश्न आपके समक्ष दो सौ बावन नंबर प्रश्न है कौन सा तत्व समाज की संस्कृति का सामान्य प्रतिमान नहीं है ऑप्शन ए दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित प्रतिमान ऑप्शन बी है समान के कानून के द्वारा निर्धारित प्रतिमान ऑप्शन डी है कला संबंधी प्रतिमान ऑप्शन डी संस्कारों त्योहारों एवं प्रथाओं से संबंधित प्रतिमान तो बताएं कि कौन सा तत्व समाज की संस्कृति का सामान्य प्रतिमान जो है वह नहीं है तो समाज के द्वारा कानून मतलब समाज के कानून द्वारा निर्धारित जो प्रतिमान है ऑप्शन इसका बी होगा ये नहीं बाकी तीन है अगला प्रश्न है आपके समक्ष दो नंबर कि कौन सा कार्य संस्कृति का उपयुक्त कार्य नहीं है कौन सा कार्य संस्कृति का उपयुक्त कार्य नहीं है भाई तो जो है मानव व्यवहार पर नियंत्रण करना ये संस्कृति का कार्य है अगला प्रश्न बी है कि हिंसात्मक प्रतियोगिता की भावना का विकास ये नहीं है ऑप्शन इसका बी होगा जबकि व्यक्तियों को समाज में रहने आ, एवं व्यवहार की शिक्षा देना ये कार्य है अगला है व्यक्ति को समाज की मान्यताओं एवं आदर्शों का ज्ञान देना ये भी है ओके तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बी होगा तिरपन का अगला जो है दो नंबर प्रश्न कि संस्कृति की प्रमुख मतलब संस्कृति की प्रमुख वाहक भाषा है हम मतलब इससे हमें किससे सहायता मिलती है संस्कृति की प्रमुख वाहक भाषा होती है क्योंकि तो अगर भाषा ही नहीं है तो संस्कृति को कैसे एक दूसरे से हम हस्तांतरित करेंगे हमें मतलब इससे हमें किससे सहायता मिलती है अध्ययन में पाठन में लेखन में तत्व में किससे में सहायता मिलती है भैया तो दूसरे चौवन का करेक्ट आंसर आपका होगा किस में तत्व में ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न दो सौ पचपन नंबर की कौन सा तत्व संस्कृति का अंग नहीं है कौन सा तत्व संस्कृति का अंग नहीं भाई तो रेल की पटरी जो है संस्कृति का अंग नहीं बाकी संस्कार विश्वास धर्म धार्मिक सहशीलता ये सब है अगला प्रश्न है दो छप्पन नंबर किसने के तो संस्कृति के नवलक्षण बताए भाई तो किसने संस्कृति के लक्षण बताए हैं तो बिशलर महोदय ने बताए हैं ऑप्शन इसका शिक्र होगा अगला प्रश्न दो सौ सत्तावन नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का आधार जो है भारतीय संस्कृति का आधार तत्व तो है तो कौन सा भाई आध्यात्मिकता जो है ये भारतीय दर्शन का मतलब भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व तो है ऑप्शन इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यार दोस्तों दो नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे दो नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है देखें सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्रश्न है आपका दो नंबर कि मानव तथा तो पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है मानव तथा तो पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है भाई तो संस्कृति जो होती है यही होती है अलग करती है ओके अगला प्रश्न है दो नंबर दो नंबर प्रश्न है कि संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यत्मक क्रियाओं की संगठित अवस्था होती है किसने कहा है भाई किसने कहा इसको तो इसको माइलिनो महोदय ने कहा ऑप्शन इसका ये करेक्ट है अगला प्रश्न दो सौ साठ नंबर है कि संस्कृति हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन साहित्य धर्म कला मनोरंजन तथा आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति करती है यह परिभाषा किसकी है तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा और दी किसने पेज ने ऑप्शन इसका भी होगा करेक्ट अगला प्रश्न दूसौसठ नंबर दर व्यक्तित्व दर व्यक्तित्व तो एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसका मूल अर्थ क्या होता है दर्पणित व्यक्तित्व एक सामाजिक प्रक्रिया होती है इसका अर्थ क्या भाई इसका अर्थ होता है कि हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने वाले आत्म जो है प्रत्यक्षण को ही हम दर्पणित व्यक्तित्व कहते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है दो सौ बासठ नंबर किसने किस कहा क्या कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया मतलब ये जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे मतलब तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसको दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में यह कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है यह कथन किसने कहा है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को देते हुए तो किंग्सले डेविस का एक कथन किसका भाई किसका सॉरी किसका कथन है किसका कथन है क्या प्रश्न है हाँ ये किसका यह कथन है किसका मैरिल का है और किसका है एल्ड्रिज का है किसका है मैरिज मैरिल और एल्ड्रिज का है ऑप्शन इसका ये करेक्ट है दो सौ बासठ का अगला प्रश्न दो सौ तिरसठ नंबर कि अपने समूह की संस्कृति को अस्वीकार करने आ, की व्यक्ति की प्रवृत्ति को कहा जाता है क्या अपने समूह की संस्कृति को अस्वीकार करने की व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है अहंक केंद्रवाद कहा जाता है या उद्दत राष्ट्रवाद कहा जाता है धार्मिक कट्टरता कही जाती है विदेशी केंद्रता कही जाती है तो इसको अहंक केंद्रवाद कहा जाता है किसको क्या अहं केंद्रवाद ऑप्शन इसका एक रखा है अगला प्रश्न दो सौ चौसठ नंबर सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं सामाजिक ढांचे में जब कोई परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों सौ पैंसठ नंबर प्रश्न है आपका किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारियों में होते हैं ऐसा मानना है मेरे पैर दोस्तों किसका तो ऐसा मानना है किंग डेविस महोदय का ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा अगला प्रश्न दो सौ छाछठ नंबर कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है दो सौ छाछठ नंबर प्रश्न क्या है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों अमूर्त होती है चूँकि परिवर्तन जो होता दिखाई नहीं पड़ता ऑप्शन इसका बी करेक्ट होता है अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है जो परिवर्तन हो रहा होता है वो नहीं दिखाई पड़ता है अब ऐसा ना कहो कि क्यों घर नहीं बना है उसके बाद में बाद में घर बन जाता तो परिवर्तन हो गया कि पहले छपरा था या छप्पर था अब जो है वो मकान बन गया पक्का तो दिखाई पड़ रहा है परिवर्तन हुआ बहुत ज़्यादा तो ये परिवर्तन नहीं समाज में जो परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन वो नहीं दिखाई पड़ता है ठीक ये बात ध्यान रखें जो परिवर्तन हो रही प्रक्रिया होती चूँकि परिवर्तन एक प्रक्रिया है तो प्रक्रिया कभी दिखाई नहीं पड़ती ना अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है क्या कि पर संस्कृति ग्रहण क्या परिसंस्कृति ग्रहण की कौन सी जो है व्याख्या उपयुक्त है ऑप्शन ये है कि दो संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरी से प्रभावित होती है ए ऑप्शन और यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि दो संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरी संस्कृति से एक दूसरी संस्कृति क्या होती है जो है प्रभावित होती है और यही होता है परिसंस्कृति ग्रहण ओके जब दो संस्कृति आपस में सामने आती हैं संपर्क में आती हैं तो एक से हम दूसरी अच्छी चीज़ें लेते हैं और दूसरा हमसे ले लेता है ये ये करेक्ट आंसर होगा इसका बाकी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको अगला प्रश्न है दूसरा सौ नंबर नंबर सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया क्या सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है तो सामाजिक परिवर्तन जो है भाई वो एक अनिवार्य प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है अनिवार्य क्योंकि समाज में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो भी समाज सही तरीके से नहीं चल पाएगा तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है अगला प्रश्न दो नंबर है कि आत्मसातकरण शब्द को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है करण जो है शब्द है इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया ऑप्शन ए में दिया है आपको ये कुछ अन्य लक्ष्य या प्रणाली का एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी सह मतलब की सह स्थिति का संदर्भ देकर के क्या कुछ अन्य लक्षण या प्रणाली का एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी सह स्थिति का संदर्भ देकर के आत्मसातकर्ण जो है उसी को हम कहते हैं ऑप्शन इसका यही करेक्ट होगा ओके अगला प्रश्न है दो नंबर कि जनतंत्र का मूल सिद्धांत क्या भाई जनतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है तो स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता ये तीनों है ऑप्शन इसका और ये फ्रांस की क्रांति में तीन शब्द का नारा दिया गया था स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व हो के किसमें फ्रांस की क्रांति में सत्रह सौ नवासी में जो आई थी अगला प्रश्न दोस्तों नंबर प्रश्न है कि शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ा है शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ा है मेरी बात दोस्तों तो किस पर पड़ा ऑप्शन ने दिया है समान अवसर प्रदान ता तो तो करना तथा व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना इस पर भी बिल्कुल ठीक है दूसरा है कि निःशुल्क अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है अगला बाल केंद्र शिक्षा पर प्रबंधन सभी पर ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न है मानवीय संसाधन क्या प्रश्न मानवीय संसाधन है मानवीय संसाधन, तो मान संसाधन कौन कौन से हैं आपसे पूछा गया है शिक्षा के तो शिक्षा के मानवीय संसाधन कौन कौन से भाई जो मानवीय संसाधन है क्या शिक्षण छात्र और समुदाय ये मानवीय शिक्षण छात्र और समुदाय ये मानवीय संसाधन है या शिक्षण छात्र श्यामपट या शौचालय या पीएचएल तो भाई ये ऑप्शन इसका यही करेक्ट होगा ओके अगला प्रश्न है आपका भौतिक संसाधन कौन से है भौतिक संसाधन दो सौ तिहत्तर भौतिक संसाधन कौन से हैं तो श्याम पट शौचालय पेयजल और पुस्तकालय ये बहुत ही संसाधन ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न दो सौ चौहत्तर नंबर प्रश्न देखेंगे प्रश्न है कि परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह वर्ग तथा संगठन कौन कौन से हैं तो परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह वर्ग और संगठन जो हैं वो आपके इसे जाति भी एक प्रमुख संगठन समूह या होता है व्यवसायिक समूह भी तो वो जो है जाति क्या है आपका वर्ग वगैरह हो सकती है धार्मिक समूह ये भी है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न आपके समय दो चुका है ये प्रश्न देखिए मेरे भाई प्रश्न आपका क्या है प्रश्न आपका देखेंगे दो सौ पचहत्तर नंबर प्रश्न है कि समाज के कौन कौन से तत्वों का बालक पर को प्रभाव पड़ता है समाज के कौन से तत्वों का बालक पर को प्रभाव पड़ रहा है संयुक्त परिवार का विघटन से या फिर परंपरागत आदर्श से या फिर धार्मिक संकीर्णता से तो भैया सर्व संयुक्त परिवार के विघटन से भी पड़ता है परंपरागत आदर्श आदर्शों से भी पड़ता है धार्मिक संकीर्णता से भी पड़ता है ऑप्शन इसका डी है ऊपर सभी से पड़ता है अगला प्रश्न दो सौ नंबर प्रश्न है कि समाज की कौन कौन सी बातों ने बालकों को नैतिकता के प्रति उदासीन बना दिया है समाज की कौन मतलब कौन कौन सी बातों ने बालकों को नैतिकता के प्रति उदासीन बना दिया है आप बताने का प्रयास करेंगे तो सिनेमा क्लब तथा रेस्टोरा इन, इन, बिल्कुल बर्बाद किया है इन्होंने नैतिकता को पहला ऑप्शन भी कर अगला करेक्ट है अगला देखते हैं पाश्चात्य सभ्यता में संस्कृति ने तो भैया इसने तो खूब बर्बाद करा है अगला और दूकरण इसने भी तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा ऊपर सभी अगला प्रश्न है आपके समक्ष दो सौ सतहत्तर नंबर प्रश्न है कि अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित करने के लिए शिक्षक में कौन मतलब कि कौन से गुण होने चाहिए तो भाई अंतर मतलब कि क्या है प्रश्न है प्रश्न आपका कि अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित करने के लिए शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए तो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षक तो का अन्य सभी समूहों की संस्कृतियों का ज्ञान होना चाहिए उदारता होनी चाहिए ये सभी ऑप्शन इसका डी होगा ये सभी होने चाहिए अगला प्रश्न दो नंबर कि राष्ट्रीयता की शिक्षा से क्या लाभ है राष्ट्रीयता की शिक्षा से क्या लाभ है भाई राष्ट्रीयता की शिक्षा से क्या लाभ है राजनीतिक एकता होती बिल्कुल होती सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति भी होती है राष्ट्रीय भावना का विकास भी होता है यानी कि डी ए सभी ऊपर सभी होता है अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीयता की शिक्षा के, के दोष क्या है राष्ट्रीयता की शिक्षा के, के दोष क्या है भाई तो राष्ट्रीयता की शिक्षा के, के दोष क्या है संकुचित राष्ट्रीयता तथा कट्टरता का विकास होता है ये भी करेक्ट होता है बिल्कुल होता है ऑप्शन इसका युद्ध भी होने की संभावना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बाधा भी उत्पन्न होती है ऑप्शन इसका डी होगा ऊपर सभी राष्ट्रीयता की शिक्षा के, के दोष जब भी गुण दोष विशेषता कारण परिणाम ये सब प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन इसका डी में होगा ओपरिक्षा सभी वो करेक्ट आंसर होता है अगला प्रश्न आपका कि क्या, क्या है तो है की भावना का विकास बिल्कुल है विभिन्न राष्ट्रों का मैत्रीपूर्ण राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता में विश्वास ये भी ठीक है, पर भी ठीक है। अगला प्रश्न दो सौ इक्यासी नंबर प्रश्न आपके समक्ष है अंतरराष्ट्रियता सद्भावना को विकसित करने के सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के क्या मतलब की इसके करने के क्या सिद्धांत हैं भाई क्या सिद्धांत हैं आपसे नवयुवकों में स्वतंत्र चिंतन का विकास करना बिल्कुल ठीक है नव युवकों को उनके ज्ञान के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देना ये भी ठीक है व्यक्ति तथा सामाजिक व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से भय को दूर करना यह भी ठीक है आपसे इसका डी करेक्ट होगा तो अंतर्राष्ट्रीयता सद्भावना को विकसित करने का जो सिद्धांत है ये तीन के तीनों है आपसने इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या कथन सत्य है या असत्य है यार का कथन है सबसे पहले तो यह ये जानिए और यह कथन पूर्ण रूप से क्या है सत्य है तिरासी प्रश्न है आपका कि आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति क्या आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति समाज के सांस्कृतिक विकास में क्या है बाधक है आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति समाज के सांस्कृतिक विकास में क्या है बाधक है या सत्य है असत्य है या फिर सत्य सत्य दोनों है तो भाई सत्य है आपसन इसका सीकर होगा अगला प्रश्न आपके सामने है दो सौ चौरासी नंबर प्रश्न देखेंगे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम से आ सकता है प्रश्न है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया क्योंकि यह एक व्यक्ति का सामाजिक विकास करती है यह कथन कैसा सत्य है या असत्य है तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह एक व्यक्ति का सामाजिक विकास करती है यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों सत्य है ओके ऑप्शन इसका एक अर्ट होगा अगला प्रश्न दो सौ पचासी नंबर व्यक्तित्व मतलब विद्यालय को समाज का व्यवसायिक प्रतिनिधि होना चाहिए किसने कहा है तो विद्यालय को समाज का व्यवसायिक प्रतिनिधि होना चाहिए कथन किसका है भाई ये कथन जो है वो कहा है जॉन डीबी ने ऑप्शन इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न देखेंगे दो नंबर प्रश्न है कि विद्यालय और समाज में क्या संबंध है क्या भाई प्रश्न है आपका कि विद्यालय और समाज में क्या संबंध है भाई तो विद्यालय समाज में क्या संबंध है विद्यालय विद्यालय सम, एवं समाज का अन्योन आश्रिता अन्योन का संबंध यही होगा ऑप्शन इसका ये है ओके विरोधी संगठन तो हो, हो ही नहीं ऑप्शन इसका यही होगा ओके अगला प्रश्न है आपका दो सौ सतासी नंबर देखेंगे किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है या कथन किसका है तो यह कथन कहा था मेरे प्यार दोस्तों किसने ओ टाबे महोदय ने ओ ने ऑप्शन इसका बी करेक्ट है एग्जाम से प्रश्न बनता है याद कर लीजिएगा अगला प्रश्न है दो सौ अठासी वाला गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का उल्लेख किया है तो गिल और गिल महोदय ने सामाजिक परिवर्तन के जो है मुख्य रूप से जो है कितने कारकों का छः कारकों का प्रयोग किया ऑप्शन इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न दो सौ नवासी नंबर शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा तो माता उपयुक्त परिचारिका है या विचार किसका है तो यह विचार किसका है रूसो महोदय का ऑप्शन इसका डी करेक्ट है अगला प्रश्न दो सौ नब्बे नंबर समाज एक अमूर्त शब्द है जो कि समूह के दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच परस्पर विरोधी मतलब कि संबंधों की, की जटिलता का बोध ने। ने दिया प्रश्न क्या है आपका कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो कि एक समूह के दो सदस्यों या फिर दो से अधिक सदस्यों के बीच परस्पर मतलब स्थित परस्पर विरोधी संबंधों की जटिलता का ऐसा है सॉरी बहुत बहुत सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों यह कथन किसका है तो यह कथन किसका मेरे प्यारे दोस्तों एडम स्मिथ का है या पेस्टोलॉजी का है तो बुक वगैरह में तो एडम स्मिथ दिया है बाकी इसका करेक्ट आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है तो आपको कैसे बता दूं बाकी एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्री हैं और शायद ये कथन उनका ना हो बट हो सकता है हो ने तो नहीं कहा है EV, हो सकते ऑप्शन इसका सी हो सकता है तो सी या तो डी में से कोई एक है ये बात ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों इक्यानबे नंबर प्रश्न है कि मानव समाज के पारस्परिक संबंधों की के कृत्रिम उपाय का जो है नाम समाज है या विचार किसका है तो मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मितव्ययता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है कथन किसका टालकट पार्सन का ऑप्शन इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों बार नंबर प्रश्न है कि बालकों को समाज सेवा हेतु विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने वाला सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए कथन किसका है यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों तो यह कथन किसका है बालकों को समाज सेवा प्रश्न क्या है बालकों को समाज सेवा हेतु विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने वाला सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए यह कथन किसका है भाई यह कथन है आपके किसका जो है टीपी नन का किसका टीपी नन ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट से आप लोग दो सौ तिरानब्बे नंबर प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को क्या कहते हैं सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को क्या कहते हैं भाई तो उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बताने का प्रयास करें तो उसको हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं क्या कहते हैं सामाजिक परिवर्तन ऑप्शन सा इसका सी करेक्ट है दो सौ चौरानबे प्रश्न नंबर प्रश्न है आपका कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक कारण क्या है वर्ग संघर्ष है सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण जो है क्या है वर्ग संघर्ष है कथन किसका है यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों काल मार्क्स का है जब भी आपसे वर्ग संघर्ष शब्द आएगा एग्जाम से में तो आप यही लगाइएगा अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न है वर्ग संघर्ष वगैरह जब भी प्रश्न में आए एग्जाम से में तो आप आंख मूंदकर ये काल मार्क्स ही मारिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण ही क्या होता है शैक्षिक परिवर्तन होता है या परिभाषा किसने दी है यह परिभाषा के जी सैन महोदय ने दी है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न दो सौ छियानबे नंबर कि भारत में सबसे पहले किस दिशा के मतलब कि किस शिक्षा के कारण भारत में सबसे पहले किस शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ हुआ है तो भारत में सबसे पहले किस शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ हुआ है भाई किस कारण हुआ है तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हुआ है इसका भी होगा ओके अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न है प्रश्न क्या है सत्तानबे नंबर सामाजिक परिवर्तन और विघटन की इस प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली तत्व तो विज्ञान का विकास रहा या कथन किसका है सामाजिक प्रक्रिया मतलब कि क्या प्रश्न है प्रश्न है आपकी सामाजिक परिवर्तन और विघटन कि इस प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली तत्व विज्ञान का विकास रहा है या कथन किसका है तो के जी सेन का ही कथन है आप सनिस्का एक है अगला प्रश्न आपके समक्ष है दो तो सौ तो अठानबे नंबर के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रथ स... पर... जो है प्रमुख समर्थक कौन है भाई तो प्रमुख पर... समर्थक कौन है इसके जो है पैरेटो और टाइनबी है ओके आप सनस्कार ए में दिए हैं अगला प्रश्न देखिएगा दो सौ निन्यानबे नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से नैतिक मूल्य है निम्नलिखित में से नैतिक मूल्य कौन है भाई तो जो है आत्मनिर्भरता एवं सनिष्ठा है बिल्कुल है सत्यता एवं परोपकार भी है दया और अहिंसा भी है और ये तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए तीन सौ नंबर प्रश्न है आपका कि वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है भाई तो ड्रॉप आउट बच्चों को दी जाती है ऑप्शन इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं जो है जो छोड़ दिए होते हैं उनको अगला है तीन सौ एक नंबर प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है भाई तो परिवार जो होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र ऑप्शन इसका ही करेक्ट है अगला प्रश्न तीन सौ नंबर दो नंबर प्रश्न है कि उभरते समाज के मुद्दे क्या है उभरते समाज के मुद्दे हैं उभरते समाज के मुद्दे कौन है भाई उभरते समाज के मुद्दे हैं तो सामाजिक कुरीतियाँ और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता ये दोनों उभरते मुद्दे ऑप्शन इसका आपसे करेक्ट है हैं और भी दोनों अगला प्रश्न है आपका सामुदायिक सहभागिता का क्या अर्थ होता है सामुदायिक सहभागिता का जो अर्थ क्या होता है समाज के प्रत्येक लोगों की भागीदारी ये भी होता है समाज के वरिष्ठ लोगों की भागीदारी ये भी होता है समाज के लोगों का प्रतिकूल व्यवहार ये भी होता है ऑप्शन आप सनिस होगा सामुदायिक सहभागिता का अर्थ यही होता है अगला जो प्रश्न आपका है तीन सौ नंबर चार तीन सौ चार नंबर प्रश्न क्या है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन है भाई सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान आपका संचयी उतार चढ़ाव और चक्रिय सब होते हैं ऑप्शन इसका डी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा तीन सौ पाँच नंबर प्रश्न सामाजिक परिवर्तन के जो है अंतर आ... कौन से परिवर्तन आते हैं सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन से परिवर्तन आते हैं भाई सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन से परिवर्तन आते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन सभी में परिवर्तन होता है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा ऊपर सभी में अगला प्रश्न तीन सौ नंबर है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है सामाजिक परिवर्तन के जो रेखीय सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है तो कौन है भाई कामटे हैं कौन है कामटे ऑप्शन इसका करेक्ट होगा अगला प्रश्न तीन सौ सात नंबर सामाजिक परिवर्तन के विषय में सामाजिक परिवर्तन में जो समाज में परिवर्तन होता है तो एक प्रकार से ऐसा परिवर्तन जैसे सीधे सीधे हो रहा है जैसे कि जो आविष्कार वगैरह हो रहा है कि पहले जो है क्या बना पहले टी वी बनी अब एल ई डी बन गई तो ये क्या है एक रेखा में विकास हो रहा है पहले जो है बल्ब बना भाईलोजन बाद चल कर बन गया तो ये चीज़ें होती हैं या फिर पहले जो है मान लेते पंखा बना फिर कूलर बना फिर ए सी आकर के बन गई ये सामाजिक परिवर्तन का क्या है रेखीय चीज़ें हैं ठीक है भौतिक संसाधन में परिवर्तन हो रहा है तीन सौ सात नंबर प्रश्न देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है इनमें से कौन सा कथन सही है आपसे पूछ रहा है किसमें जो है सामाजिक परिवर्तन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है आपसे ऑप्शन ने दिया सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है बिल्कुल ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा ए वाला ओके अगला प्रश्न देख लेते हैं तीन सौ आठ नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य बौद्धिक विकास का परिणाम माना है सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम माना है किसने माना भाई पार्सल्स ने माना कामटे ने माना मार्क्स ने माना है ने माना किसने माना है तो कामटे ने माना ऑप्शन इसका भी करेक्ट है अगला प्रश्न देख लेते हैं तीन सौ नौ नंबर प्रश्न है कि किसने कि कहा कि मानव की आदतों से होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है मा... किसने कहा कि मानव की आदतों से परि... होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है किसने कहा भाई तो बैबलेन ने कहा किसने कहा मार्क्स बैबले ने कहा सॉरी मैं ने कहा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा और तीन सौ दस नंबर प्रश्न आपका है ये प्रश्न है किसने कहा है कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से है और इसीलिए प्रगति में जो है प्रगति में मूल निर्णय होता है प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से होता है इसीलिए प्रगति में मूल निर्णय होता है यह कथन किसका है भाई यह कथन किसका है यह कथन आगवर्द निमकाप का ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ये बात ध्यान रखेंगे तो यहाँ तक आपने लगभग साठ प्रश्नों को देख लिया आज की वीडियो में ओके साठ प्रश्नों को आप लोगों ने देख लिया आपको और कुछ बता दूं आप कहे तो और भी कुछ प्रश्नों को आपको करवा दिया जाए प्रश्नों को आपने देख लिया और बताएं तो चलिए और चलिए कुछ और देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने तीन सौ ग्यारह नंबर प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जब चलिए चलते हम चर्चा करते हैं चलिए सौ प्रश्न हो सकता कर दें चलिए अगला प्रश्न तीन सौ ग्यारह नंबर सामाजिक परिवर्तन कैसा है सामाजिक परिवर्तन कैसा है आवश्यक है या सभी स्थानों पर समान रूप से होता है या अनावश्यक है या अनिवार्य तो है तो सामाजिक परिवर्तन कैसा भाई अनिवार्य है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न तीन सौ बारह नंबर भारत में मान्यता प्राप्त योग प्रशिक्षण केंद्र है भारत में मान्यता प्राप्त योग्य प्रशिक्षण केंद्र कौन से कहाँ पर है ऑप्शन है काशी विद्यापीठ है पंजाब विश्वविद्यालय पुना विश्वविद्यालय तो ये सभी ऑप्शन इसका होगा अगला प्रश्न तीन सौ तेरह नंबर राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व कौन सा एक धर्म है या एक भाषा संघीय भाव है या एक नस्ल है तो राष्ट्रीयता का जो मुख्य तत्व है वह संघीय भाव होता है ऑप्शन इसका जो है डिकरेक्ट है अगला प्रश्न है संप्रभुता की प्रकृति कैसी है तीन नंबर संप्रभुता की प्रकृति कैसी है भैया तो कैसी है कानूनी है संप्रभुता की प्रकृति कैसी कानूनी ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा अगला प्रश्न तीन सौ पंद्रह नंबर एम एन श्रीनिवास के अनुसार सांस्कृतिकरण से केवल कैसे परिवर्तन होते हैं एम एन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से केवल कैसे परिवर्तन होते हैं भाई बताने का प्रयास करेंगे पदमूलक परिवर्तन होते हैं या संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं या फिर इन दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं या संस्कृतिकरण से परिवर्तन ही नहीं होता है तो बताए एम एन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से केवल कैसे परिवर्तन होते हैं तो पदमूलक परिवर्तन होते हैं ऑप्शन इसका एक अरक्ट है अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है तीन नंबर संस्कृतिकरण के विषय में कौन से कथन सही नहीं है संस्कृतिकरण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है आप बताने का प्रयास करेंगे प्रश्न आपका ऑप्शन आप ए है इनके अनेक आदर्श प्रतिमान होते हैं संस्कृत क्या पूछा गया सही नहीं है ना तो ये ठीक है सही लग रहा है अनेक प्रति आदर्श प्रतिमान होते हैं बी ऑप्शन आप आपको दिया है कि इसमें उच्च जातियाँ अपना आदर छोड़ती हैं संस्कृतिकरण में ये चीज़ जो है एक प्रकार से छोड़ती है इसमें केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं समग प्रक्रिया होती है संस्कृतिकरण सामूहिक प्रक्रिया तो होती है पदमूलक परिवर्तन भी इसमें होते हैं संस्कृतिकरण में अनेक जो है आदर्श प्रतिमान होते हैं लेकिन ये उच्च जातियाँ अपना आदर्श छोड़ती हैं ऑप्शन इसका बी यही करेक्ट आंसर होगा ठीक ये सही नहीं है अगला प्रश्न देखते हैं तीन सौ तीन सौ सत्तर सु नंबर प्रश्न है आपका कि शिक्षा द्वारा भारत में आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण क्या है शिक्षा के द्वारा भारत में आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण क्या है भाई तो परंपरा के विकल्प हैं गतिशीलता का विस्तार जन जनतंत्रीकरण सभी ऑप्शन इसका डी होगा अगला प्रश्न है प्रश्न तीन सौ अठारह नंबर जो है राष्ट्रीय एकता का निर्माण संभव नहीं है अपितु राष्ट्रीय एकता व्यक्ति के दिल और दिमाग में विकसित होती है यह कथन किसका है भाई बताने का प्रयास करेंगे यह कथन किसका है तो यह कथन है डॉक्टर राधा कृष्ण का किसका राष्ट्र राधाकृष्ण ऑप्शन इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देखेंगे तीन सौ उन्नीस नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अनुसार कैसी प्रक्रिया है राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अनुसार कैसी प्रक्रिया है तो मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया ऑप्शन इसका सी करेक्ट है और अगला प्रश्न देख लीजिएगा तीन सौ बीस नंबर प्रश्न है आपका राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व क्या है राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले जो मुख्य तत्व है मेरे प्यारे दोस्तों क्या है एकता की भावना तथा राष्ट्रीय है तो जो नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए सत्तर में चर्चा करूंगा और उसके बाद तीन सौ बीस के आगे के प्रश्नों को हम अलग देखेंगे मतलब अगले वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए हिंद जय भारत आपसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए